नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी मौजूद है दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास से कुछ सौ मीटर की दूरी पर, सिविल लाइन पर, जहां पर दिल्ली के डीवीसी कर्मचारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स है, जिन्हें काम है दिल्ली में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए काम करना। उन्होंने धरना लगाया हुआ है। इनका ये धरना पिछले तीन दिनों से 31 जुलाई से लोग निगम मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगाए हुए थे, और ये पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं, पूर्णतः हड़ताल पर हैं। इनकी एक मांग है जो बहुत लंबे समय से, इनको स्थायी काम पर पक्का किया जाए। दूसरा, इसके साथ साथ इनको एक कोई पोस्ट दी जाए, जो कि अभी तक इनके पास कोई पोस्ट नहीं है। इन दो तीन मांगों को लेकर कर्मचारी के मूल अधिकारियों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन करते रहे। इसी मांगों को लेकर आज ये लोग मुख्यमंत्री निवास के पास आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री से अभी तक इनको मिलने का समय नहीं मिला है, और इनका कहना जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हमने यूनियन नेताओं से और जो बाकी कर्मचारी यहाँ शामिल हुए उनसे बात करके समझने का प्रयास किया है कि उनकी मांगे क्या हैं, और सरकार अगर प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता तो आगे का रास्ता उनका क्या होगा। हाउस टैक्स हमसे कराते हैं, लाइसेंस हमसे कराते हैं, बीएलओ में डीबीसी कर रहे हैं, फील्ड में डीबीसी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कन्वर्जन सारा काम हमसे लेते हैं। तो हमें जितना हमसे मल्टी टैलेंटेड काम लेते हैं, तो इन्हें मल्टी टास्क जॉब देने में क्या दिक्कत होती है? जब हम इतना हम काम करते हैं, तो हम क्या इतना भी हक नहीं है कि हमें एक पोस्ट मिल जाए, हमारी पोस्ट सैंक्शन की जाए? हमारे भाई कितने दुखी अंदर से, जिन्हें इतने इतने साल बीत गए, उनका दिल भी कितना रोता होगा, पर ये डिपार्टमेंट नहीं देखता। उन्हें अपनी एसी की हवा दिखती है, या अपनी कुर्सियां, या अपनी गाड़ियां दिखती है, अपने बंगला दिखता है। हमारी मीटिंग के रिजल्ट निकला, सिर्फ एक बातें उन्होंने कही है कि आप सब यहाँ से धरना को खाली कर दो, अपनी हड़ताल ख़त्म कर दो। और हमने कहा हड़ताल हम खाली कर देंगे, लेकिन हम क्या, सबसे पहली बात हड़ताल की हम अपनी मर्जी से करने हैं? 28 वर्षों के अंदर हमने लगातार कार्य करा, दिल्ली की जनता को बचाने कार्य करा, चाहे इसमें डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हो, चाहे उसके अंदर कोरोना का पीरियड रहा हो जब दिल्ली की सारी जनता अपने घरों में बैठी थी। हमारा कर्मचारी सड़क पर घर घर जाकर उनको स्प्रे कर रहा था, उनको बचाने का काम कर रहा था। शमशान में हमारे कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी, हॉस्पिटल में हमारे कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सुबह 6 बजे हमारे कर्मचारी वहाँ करता, तीन तीन दिन हमारे वहाँ कर्मचारी काम करता, फर्नीचर होने में हमारे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई दी जाती है। मतलब किस तरह के कार्य हमारे कर्मचारी करता है, लेकिन जब फायदे की बात आते हैं डीबीसी कर्मचारी से कोई फायदा नहीं दिया जाता। हमारी यही मांग है कि 28 सालों से हमसे काम करा रहे, हमें एक पद तो दिए जाए। डीबीसी को इंसाफ दो, 28 वर्षों का इंसाफ देना पड़ेगा। 31 जुलाई से सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर हमारे सभी 3200 डीवीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। मेयर साहब से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें मौखिक आश्वासन दिया और वो हमारी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो कि 9 मार्च 2022 को हमारा एक ऑर्डर जारी किया गया था, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जारी द्वारा बनाया गया था, उसमें कमिश्नर साहब के भी साइन है। आज हमें अधिकारी कह रहे हैं कि उस ऑर्डर को भूल जाओ, हम उसे लागू नहीं करेंगे। वैसे दिल्ली में महामारी फैली हुई है, डेंगू मलेरिया का इतना प्रकोप है, लेकिन अधिकारी अपनी जिद कर रहे हैं कि तुम हड़ताल पे ही बैठे रहो। हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है, और हमारे सभी कर्मचारियों ने फैसला किया है कि जब तक हमारा 9 मार्च का ऑर्डर लागू नहीं होगा, हम हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। हमें कल मेयर साहिबा ने मीटिंग करी, लेकिन कोई भी उन्होंने हमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। सिर्फ वो मौखिक आश्वासन दे रही है कि मैं आपके लिए सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ। इसीलिए आज हम सब ने मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें मिलने का समय नहीं दिया है। यहाँ पे इतनी तानाशाही चल रही है, कर्मचारियों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। जो कि ये वही केजरीवाल हैं जो ये वादा करके सत्ता में आए थे कि मैं ठेकेदारी प्रथा को ही ख़त्म कर दूंगा, आप सबको पक्का करूंगा। उसके बाद ये निगम में ये वादा करके आए कि मैं निगम के एक एक कर्मचारी को पक्का करूंगा, डेली वेजर को मैं पक्का करूंगा। जो एक ऑर्डर 9/3/2022 को जारी किया गया था, जो निगम द्वारा ही किया गया था कि कर्मचारी को MTS का पद दे दिया जाएगा, लेकिन आज उसी ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं, और वो स्वयं कहते हैं इस ऑर्डर को भूल जाइए, हम आपको नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहें उनसे कि क्या नई पोस्ट क्रिएट होकर हमको मिलेगी, जब वो कहते हैं नहीं ये DSSB बोर्ड से भरी जाएंगी। आज वो अगर DSSB बोर्ड से भरी जाएगी तो आज 28 साल से काम कर रहा कर्मचारी उस DSSB बोर्ड के लायक ही नहीं रह गया है, उसकी उम्र ही नहीं है, क्योंकि वो एक नए लोगों के लिए एक नई क्रिएशन ऑफ पोस्ट होगी। आज वो नई क्रिएशन पोस्ट का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है,
जबकि आप अपने ऑर्डर पे ही कायम नहीं है, जो आपका 9 मार्च 2022 को हो चुका है। उस ऑर्डर को ही निगम मानने को नहीं कि एक आला अधिकारियों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको जारी किया था, आज उस ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं, उसमें नए लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं जिस ऑर्डर पर उन्होंने कायम नहीं होना था, वो हमें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।